हाय दोस्तों, अभी दिख रहा है आपको आदर्श ज्वेलर्स और कुरैशी ज्वेलर्स। अभी हम हैं जैनमगंज में और जैनमगंज की वीडियो आप देख रहे हैं। ये वाली रोड आपको मिल जाएगी किसनी के लिए, 3 किलोमीटर है किसनी, ये देखिए। और जैनमगंज से आप इस रास्ते को जाएंगे तो 12 किलोमीटर आपको रानीगंज मिल जाएगा, ये देखिए। अभी ये रोड बन चुकी है, मतलब बन रही है रानीगंज से सुकुल बाज़ार वाली, और सीधा इस साइड चले जाएंगे आप तो सुकुल बाज़ार आपको मिल जाएगा लमसम 3 किलोमीटर आगे। और इधर मोहना है, मोहना 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो फिलहाल ये काफ़ी पुरानी दुकान है भैया की। हाँ भैया, इस चौराहे पे कौन सी सबसे फेमस दुकान में है? हाँ ना, हाँ वही, मतलब कुछ जैसे पसंद करती हो पब्लिक, उस दुकान पे ज़्यादा कस्टमर आते हो ऐसी। पप्पू भाई के ये दुकान है, ये कुरैशी ज्वेलर्स, ये इधर ये बगलिया है, विशाख खाना, आदर्श कौन विशाख खाना, ये जो जहाँ टका है बेल्ट। अच्छा, ये वाली स्टोर सबसे फेमस, ये ज़्यादा चलत। अच्छा, आरी बगल पड़ने वाले कुछ छोटे मोटे गाँव जैसे जो इर्द गिर्द में पड़ते हों 1-1.5 किलोमीटर के? अच्छा, ये कौन से मौजे में आता है भैया जैनमगंज? मर्दानपुर मौजा। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से दिन की मार्केट लगती है, बाजार? बाजार रविवार को और बुधवार को। चलिए ठीक है, संसाधन तो मिल जाते होंगे, जैसे जिस जिन आदमियों के पास बाइक या साइकिल या अपना वाहन नहीं है तो चलती होगी, टेम्पो वम्पो चलते होंगे क्यों? टेम्पो चलत है, 5 बजे तक टेम्पो मिला, 5 बजे तक मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो फिलहाल ये रोड बनने वाली है। और अच्छा, ये आगे जो चल के रानीगंज की तरफ हम जाएंगे 6 लाइन मिलेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा? चलिए ठीक, तो ये 7 आगे चल के आप जाएंगे लमसम, ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर होगा, वहाँ पे आपको 6 लाइन मिल जाएगा। तो और उसके आगे जाएंगे आप तो फिर देवकली होते हुए रानीगंज पहुँच जाएंगे। तो वीडियो इसी पे स्किप करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।